चेयरमैन साहब, जमहूरियत की खिदमत हम मरूसी जमहूरियत को डिफेंड करके नहीं कर रहे, हमने जमहूरियत को तबाह किया है। जमहूरियत का कातिल और कोई नहीं है, मैं और इस ऐवान में मेरे आज बैठे हुए लोग और इनसे पहले गुजरे हुए जिन्होंने जमहूरियत के उसूलों को पामाल किया, जिन्होंने खानदानी विरासत को तकवीयत दी, जिन्होंने उन लोगों को लीडर कहा जो बम प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। मेरी बात सुने चेयरमैन साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा एक ही लीडर है, उसको मैं अपना लीडर कहता हूं, चाहे दुनिया को पसंद हो यह बात या ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका नाम है, उसको मैं अपना लीडर कहता हूं। वो कि इंसान दुआ मांगता है और फिर उस वक्त दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। अगर इस मुल्क पर आज ये लम्हा, अगर इस मुल्क पर अगर कबूलियत का वक्त है, तो मैं आज अल्लाह से यह दुआ मांगता हूं कि वो मेरी जान इस मुल्क पर एक बार नहीं, 1000 बार कुर्बान कर दे, मेरी नस्लों को कुर्बान कर दे। ये मेरा मुल्क है, इससे मुझे उतनी मोहब्बत है जितने पाकिस्तान की फौज के हर उस सिपाही को, हर उस अफसर को है जो आज बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, जो सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, जिनकी औरतें बेवाह हो रही हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जो बमों और गोलियों के आगे रुकते हैं, सीने अपने ऑफर करते हैं, खून के तमगे उनके सीनों पर लगते हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं होती, उनके पास बम प्रूफ गाड़ियां नहीं होती। आज बड़े फखर से यहां कहा गया, बार बार कहा गया, कौम की बेटी, बम प्रूफ गाड़ी। मैं चेयरमैन साहब शर्म से पानी पानी हो जाता हूं जब मैं इस हॉल में जमहूरियत की बात करता हूं, जब मैं इस जो हॉल में जमहूरियत के नारे सुनता हूं, लेकिन फिर देखता हूं कि जमहूरियत की तारीफ क्या है, फलां की बेटी, फलां का बेटा, फलां का पोता, फलां का नवासा, यह मेरी जमहूरियत है। जेनेटिकली इनहेरिटेड डेमोक्रेसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डेमोक्रेसी, ये है हमारी जमहूरियत। अगर ये जमहूरियत है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लानत भेजता हूं उस जमहूरियत पे। आए जब बात करते हैं उसूलों की, शहादतों की, तो फिर हुसैन बने, हुसैन बने जो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मैदान करबला में चला गया था, जिसके बच्चे उसके सामने कत्ल किए गए। जब आपने कुर्बानियों की बातें करनी है, तो ना बम प्रूफ गाड़ियों की बातें करें। सीनियों पर गोली खाने वाले जो आज सरहदों पर मर रहे हैं, उनका तो आप मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बम प्रूफ गाड़ियों के अंदर पत्थर खाकर आपको चीखें निकल जाती हैं। चेयरमैन साहब, मैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बातें सुनकर कि पाक फौज पर हर बात पर उंगली उठाई जाती है। जो उन्होंने गलत किया है, सबूत के साथ लाएं, बात करेंगे, उनको कमेटियों में भेजें। डिफेंस कमेटी है, प्रेसिडेंट चेयरमैन बैठे हुए, इनके पास भेजें, बात करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज भी आएगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। रूसी लीडरों को डिफेंड करने की बात नहीं होती, कहीं पे इस कौम की, इस मुल्क की, इस अवाम की भी बात करें, ताकि अल्लाह के आगे क्लियर हो। क्योंकि चाहिए साहब, मौत का इंतजार हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, ये मौत हम सब ने चखनी है, इसका जायका हम सब ने चखना है। थैंक यू।